बाबा साहब अंबेडकर जी के पर्सनालिटी का जो एक हिडन एस्पेक्ट जो है वो ये है कि ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। वो ज़्यादातर सामने नहीं आया था, उसके ऊपर कुछ लोगों ने काम किया था मगर उतना वह प्रचलित नहीं था। हम इस इकोनॉमी के ऊपर बोझ नहीं बल्कि हम कॉन्ट्रीब्यूटर बनना चाहते, द वे ऑफ टैक्सेस, द वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। भारत सरकार और राज्य सरकारें वेलफेयर स्कीम पर शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप हो या ये है उसके ऊपर जो जितना खर्चा कर रही है उससे ज़्यादा एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स गवर्नमेंट के ट्रेजरी में उससे ज़्यादा पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो हमने हमारा जो विजन जो रखा है मैडम, वो विजन ही हमारा ये है, बी जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स। कि समझो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जहाँ से मैं आता हूँ पुणे में, हमारे अगर वहाँ पे रोड डिपार्टमेंट में 5 एससी एसटी इंजीनियर्स के लिए, जूनियर इंजीनियर्स के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट आई तो उसके लिए आज 5,000 एप्लीकेशन आते हैं, नौकरी कितने लोगों को मिलेगी, 5 लोगों को, तो बाकी लोगों ने क्या करना है। तो इसलिए जो बाकी लोग हैं उनके लिए डिक्की का काम। जिनका बचपन मुश्किलों से गुजरता है वो कभी कभी अपने ज़िंदगी भर उसका दुखड़ा रोते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुश्किल जितना दौर हो उसको मात देकर आगे चलकर खुद कुछ बनने की चाह भी रखते हैं और अपने साथ साथ समाज का भी उत्थान करते हैं। ऐसे गिने चुने व्यक्तियों में से एक है डिक्की के संस्थापक पद्मश्री मिलिंद कामले जी। मिलिंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। तो बातों बातों में हमारी ये जो नवभारत की श्रृंखला है इसमें हम ऐसे लोगों से बात करते हैं, ऐसे लोगों को अपने दर्शकों से रूबरू कराते हैं जो खुद के बलबूते पर कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप मराठवाड़ा के एक छोटे से ज़िले से आए और वहाँ पर आपका जो बचपन गुजरा था उसके बारे में मैंने कई सारी कहानियां पढ़ी भी है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूंगी। देखिए मराठवाड़ा महाराष्ट्र का एक पिछड़ा हुआ इलाका है और उसमें से भी लातूर डिस्ट्रिक्ट जो है वो लातूर उस्मानाबाद जी सबसे पिछड़े इलाके में आते हैं। तो मैं लातूर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और मेरे फादर एक प्राइमरी स्कूल टीचर थे लातूर डिस्ट्रिक्ट में। तो 10 जगह पे उनकी ट्रांसफ़र, हर 2-3 साल में ट्रांसफ़र होती थी। तो जहाँ पे जिस गांव में उनकी ट्रांसफ़र हो गई वहाँ पे स्कूलिंग मेरा हो गया, मगर यानी कि एकदम रूरल इंडिया में। फिर मेरा 8th, 9th, 10th वाला जो स्कूलिंग है वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे हुआ, देशी केंद्र विद्यालय जो है उसमें। फिर उसके बाद में एक शिरूर ताजबंद में भी एक स्कूल है महेश विद्यालय, जहाँ पे फिर मेरा 10th का ओनली वहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग के लिए फिर मैं नांदेड़ में मैं आया। तो बस मेरे लिए तो बस एकदम इंटीरियर यानी कि देश महाराष्ट्र की जो कैपिटल मुंबई से 450 किलोमीटर दूर दराज के गाँव में शिक्षा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल मैक्स और दूसरा डिस्ट्रिक्ट नांदेड़। तो ये लेवल पे मेरी पूरी शिक्षा हो गई। तो पिताजी तो प्राइमरी स्कूल टीचर थे तो उनकी अपेक्षा थी कि मेरी शिक्षा होने के बाद इंजीनियरिंग की कि मैं सरकारी नौकरी में चला जाऊँ। देखिए मैं 87 में मेरा इंजीनियरिंग हुआ और उस समय तो हमारे फैमिली के जो कुछ लोग हैं रिजर्वेशन के माध्यम से उनको पीडब्ल्यूडी में इरिगेशन में एज अ जूनियर इंजीनियर उनको नौकरी मिल गई थी। तो वही एक हमारे फैमिली में था तो उनका यह चाहते थे कि मैं भी इरिगेशन या पीडब्ल्यूडी में अप्लाई करूं और सरकारी नौकरी में चला जाऊं, मगर वैसे मैंने नहीं किया। तब वो लगता था ना कि एक सरकारी नौकरी हो फिर पेंशन मिलती है, एक
33-34 साल एक जगह पे काम किया, उसी में बढ़ते गए और पेंशन लेके एक जिंदगी गुजारी। लेकिन मैंने देखा कि मराठवाड़ा में पिछड़ा इलाका है, लेकिन एक जाति व्यवस्था भी जो थी वो ज़्यादा तीव्र थी मेट्रो शहरों के तुलना में। आपने वो दिन भी और वो दौर भी देखा होगा, उसका जो एक स्टार्क डिफरेंस सामाजिक स्तर में हुआ करता था वो भी आपने महसूस किया होगा। तब आप क्या सोचते थे, क्या सपने देखते थे कि मैं क्या करूँगा? तो देखिए, दो द मराठवाड़ा इंटीरियर ये सब होने के बावजूद भी इसमें मैं एक टीचर का बेटा था जी। तो देखिए, गांव में हो या कहीं पे भी हो, एक टीचर को एक रिस्पेक्ट अध्यापक को होता ही है जी, होता ही होता ही है। ओके, तो इसलिए वो मुझे एक्सपीरियंस नहीं रहा। दूसरी बात, जो हमारा मेन गांव जो है जहाँ पे महानुभाव पंथ के लोग बहुत विचारों का प्रभाव उनके ऊपर था, तो आपको फ्रैंकली चोबली यह मेरा गांव है जी, और वहाँ पे दो मेजर डोमिनेंट कम्युनिटी जो है, एक तो मराठा और दूसरा लिंगायत, ये दो डोमिनेंट अपर कास्ट कम्युनिटीज है। मगर जब अकाल आया था तब तो हमारे गांव के जो लिंगायत समाज के जो अन्नाराव पाटिल है, उन्होंने अपनी जो वेल है, बावड़ी जो है, वो पानी के लिए खुली की थी, ऐसा इतिहास है। तो हमको उस तरह से जो आम लोगों को एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, उस टाइप का तो मेरे इसमें नहीं आया है, क्योंकि फॉर्चुनेट था कि एक टीचर का बेटा होने की वजह से ऐसे हुआ है। फिर सपने आप जो देखते थे कि बड़ा होके क्या बनना है, हमारे अमूमन हम देखते थे कि कुछ ना कुछ सपने समय समय पर बदलते भी रहते हैं, तो आप क्या सोचते थे कि बड़ा होके मैं क्या बनूंगा? देखिए मैडम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरी पढ़ाई हुई थी सिविल इंजीनियरिंग में, वो मेरे पिताजी के कहने से, मगर मुझे बनना था मैकेनिकल में जाना था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना था, वो नहीं हुआ। बस पिताजी के सामने तो शॉर्ट टर्म दिख रहा था, मेरे फैमिली के लोग पीडब्ल्यूडी में नौकरी में गए हैं, तो मेरा भी यही था एक इंजीनियर बनना और अच्छा कुछ तो भी काम करना। मगर धीरे धीरे उसमें थोड़ा बदलाव आता गया, क्योंकि मराठवाड़ा में, आप भी मराठवाड़ा से आते हैं, तो एक मराठवाड़ा नामांतर का जो बड़ा आंदोलन चला, तब दलित पैंथर बहुत जोर पे था, रामदास आठवले जी वगैरह वो तो हमारे यहाँ आते थे बहुत बार, मेरे अंकल जो है वो भी दलित पैंथर में काम करते थे, तो उस समय बहुत सारे आंदोलन में स्कूल कॉलेज लेवल में हमने पार्टिसिपेट किया। जब पुलिस अरेस्ट करती थी तब ये जो नौकरी पेशा जो लोग थे, फिर वो बाहर रहते थे, वो एक डर रहता था कि अगर वो पुलिस ने अरेस्ट कर दिया 24 घंटा जो भी कुछ है 3 दिन का जी, तो नौकरी चली जाएगी, तो उसकी वजह से वो नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, फिर ऐसा है तो मुझे सोशल काम करना है, और वो काम करने के लिए मुझे आंदोलन ये सब जो चीजें चल रही थी सब, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं सरकारी नौकरी में जाना है। ओके, तभी से एक माइंडसेट जो है वो तैयार हुआ, और तभी से एक अपना खुद का कुछ बिजनेस व्यवसाय जो है, उद्यमी बनने का, तभी से अपना ये शुरू हुआ। फिर आप छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर वो काम करते थे, कुछ समय आपने जॉब भी किया, हाँ, और फिर उद्योग कैसे खड़ा किया खुद का? तो देखिए मैडम, मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद, मैं सभी को भी ये कहूँगा, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है 2-3 साल का, वो बहुत ज़रूरी है। एक आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मैक्सिमम थ्योरेटिकल होता है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उतना नहीं होता, इसलिए मैंने 3 साल इनिशियली
मैंने नौकरी की प्राइवेट सेक्टर में पुणे में, और उसके बाद में 1993 को मैंने मेरा अपना एंटरप्राइज शुरू किया एकदम, यानी कि कोई बैंक का लोन नहीं, कोई स्कीम नहीं, कोई सब्सिडी का नहीं, कुछ नहीं, जो मेरा खुद का ओन कैपिटल जो था वो, और मैंने मेरे दोस्तों से हैंड लोन लेके अपना कारोबार हमने पुणे में बीएमसीसी कॉलेज, आपको पता है जी, उस बीएमसीसी कॉलेज की कंपाउंड वॉल बनाने का इज माय फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, वहां से मेरी शुरुआत हो गई। फिर देखिए जब उद्योग में आते हैं तो आसान नहीं है रास्ता, मतलब जॉब में फिर भी एक गारंटीड है कि सैलरी आएगी, ये रास्ता मुश्किल है। अगर पैसा लेना नहीं है किसी से, खुद का पैसा डालना है तो सारी जो भी पूंजी है वो दाव पे लगा रहे, और दूसरा अनिश्चितता भी बहुत है। तो पहली तो दीवार खड़ी कर दी, लेकिन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मिलना, फिर ये किस तरह से आपका बिजनेस आगे बढ़ा? यस, आपने सही कहा कि बिजनेस ये जो है इट्स अ नॉट कप ऑफ टी ऑफ एवरीवन। ओके, तो उसके लिए जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है वो कितना है उसके ऊपर वह निर्भर करता है। तो मैं बैचलर था, मेरी शादी नहीं हुई थी, और मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं था, तो जो ये आपके जो सवाल है उसी के इर्द गिर्द मैं बता रहा हूं कि समझो आज मैं कमा के कुछ मैं नहीं लेके आया, तो अगर फैमिली है उसको क्या खिलाऊंगा, ये सवाल मेरे सामने नहीं था। एंड मैं आपको बताता हूं मैडम, जब आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती है, पढ़ाई पूरी हो गई, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, दैट इज अ राइट टाइम टू टेक अ रिस्क। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं तो मैं उनको पूछता हूं आपकी उम्र क्या है, 50। अरे फिर तो आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं, उनकी लायबिलिटी फैमिली है, घर लिया है, उसका ईएमआई जा रहा है, टू व्हीलर फोर व्हीलर, तो ये इतना लायबिलिटी है तो आप कैसे बिजनेस करोगे? ओके, सो दैट इज नॉट राइट टाइम। अगर कुछ लायबिलिटी नहीं है तब ये हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि दैट इज राइट टाइम, तब हमने रिस्क ले ली। यस, अप डाउन इज अ लाइफ, होता है, तो वैसे हुआ, मगर गाड़ी निकल पड़ी। फिर पहला तो एक काम हुआ, फिर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में कौन सा आया? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है, फिर मैंने वो काम किया, उसके बाद में और बहुत सारे काम किए, बिल्डिंग्स रिलेटेड काम, फिर मैं एज अ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर मेरा करियर शुरू हुआ। पुणे में एक हमारे मित्र है अनिल ए के मिश्रा जी, जो कि रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उनके पास बहुत सारे काम चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मिले, जब मैंने उनको पूछा कि आपके पास कुछ काम है तो दे दीजिए, तो उन्होंने कहा मिले मेरे पास बहुत काम चल रहे हैं मगर मैं वो मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप सबलेट लेके काम कर लीजिए। तो वैसे मैंने मिश्रा जी के साथ एज अ सबलेट लेके मैंने काम शुरू किया, वो करता चला गया। मेरा बड़ा काम जो है कृष्णा खोरे में, जी बिल्कुल, हाँ, 1998 में कृष्णा खोरे में हमें पहला जो है वो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था। वो अर्थवर्क का यहाँ पे जुन्नर तालुका जो है वहाँ पे वो मैंने पहला बड़ा प्रोजेक्ट वो किया। फिर उसके बाद में बारामती वाटर सप्लाई स्कीम, उसके पहले कोकण रेलवे में बहुत सारे बड़े काम किए थे मगर उतने नहीं, फिर बारामती वाटर सप्लाई स्कीम, उसके बाद में बहुत सारे ब्रिज टनल के काम, ये जो खम्बाट की जो घाट बना है टनल, हाँ, उसका फेस का ओपनिंग सातारा साइड बड़ा काम था, से लेके बहुत सारे काम। उसके बाद में हमने ब्रिज रोड बिल्डिंग्स ये सब काम जो है हमने आगे कर लिए। फिर शादी कब हुई? 95 में मेरी शादी हुई। और तो शादी में तो हमने यही देखा कि भाई वो कुछ करे, नौकरी करेगी इनिशियली, तो वैसे ही एक सेफ्टी नेट, हाँ, तो शादी हो गई, तो माय वाइफ वाज अ बीए बीएड, तो उसको बस
जून जुलाई से ही, मई में शादी हो गई, जून जुलाई से ही उसको एक स्कूल में नौकरी मिली। तो फिर एक एक इनकम जो है घर में जो है फिक्स इनकम जो है वह आना शुरू हो गया। फिर डिक्की का जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, क्योंकि ऐसा कुछ जो निर्माण होता है तो उसके लिए कोई एक घटना होती है या कोई एक ऐसा पॉइंट होता है, ट्रिगर होता है, जब हो लगता है कि जी मैं ये खड़ा करूं। क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं कि दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की और इंडस्ट्री की जो स्थापना है वो कामले साहब ने की है। बहुत बड़ा और बेहतरीन काम उन लोगों के लिए किया जा रहा है कि जो शायद ही एक उद्यमी बनने का जो अपना सपना है वो देखते भी है और उसको वास्तविकता में लाने की कोशिश भी करते हैं। उनको एक तरह से सब तरह की मदद जितनी हो सकती है वो ये चेंबर करता है। आमूमन जिस तरह से सभी चेंबर्स काम करते हैं उसी तरह का ये काम है। तो आपके दिमाग में ये पहले कब आया कि मैं इस तरह का चेंबर खड़ा करूं अलग से और उन लोगों को एक दिशा दूं जो जिनके सपने हैं कुछ या करने की उनमें कुछ उम्मीद है? तो देखिए मैडम, ये तो मेरी एक एज अ एंटरप्रेन्योर जर्नी तो मेरी शुरू थी। तो उसी में एक काम मैंने किया जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर एक पहली वेबसाइट, जब वेबसाइट की दुनिया शुरू हुई थी, इंटरनेट की दुनिया शुरू हुई थी, तो उस समय मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर पहली वेबसाइट बनाई। और वह वेबसाइट जो थी वो थोड़ी अलग थी। अलग इन्हें क्या कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को तो हम सब लोग जानते हैं, हम पढ़े हैं, मगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पर्सनालिटी का जो एक हिडन एस्पेक्ट जो है वो ये है कि ही वाज द ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। करेक्ट। वो ज्यादातर सामने नहीं आया था, उसके ऊपर कुछ लोगों ने काम किया था मगर उतना वह प्रचलित नहीं था। तो इसलिए उसके ऊपर मैंने काम किया और टाइटल भी वही था, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और पूरे उनके इकोनॉमिक्स के जो थॉट्स है से लेके बुक्स है सब उसमें था। तो यह जो बातें हैं यह मैंने उसमें की। तब मैं वह पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा कि अरे ही वॉज द ग्रेट इकोनॉमिस्ट और उन्होंने जो अपने विचार रखे हैं तो उसको तो हमें जमीन पे उतारना चाहिए। और अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो जो दलित आंदोलन जिसको हम कहते हैं, तो इस दलित आंदोलन में सामाजिक विषमता से लेके हाउसिंग मिलना है लोगों को, झुग्गी झोपड़ी से लेके ये सब विषय थे, शिक्षा, फिर उसके नौकरी, ये सब इनिशियल जो विषय थे दलित मूवमेंट के, तो वही विषय आगे रहे। मगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ अ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। मैं जब भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनको मिलता हूँ तो वो भी यह कहते हैं कि मिलिंद यह काम रह गया था जी। ओके, तो मुझे लगा कि यस, मैं एक उद्यमी हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं और ज्यादा उद्यमी कैसे बन सकते हैं, सरकारी स्तर पर तो कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो सपोर्ट हम कैसा क्रिएट कर सकते हैं। तो यह बातें के ऊपर मैं हमारे कुछ ग्रुप में डिस्कशन में करते रहता था। तभी देखा तो अलग अलग प्रकार के चेंबर है, मराठा चेंबर पुणे में से लेके CII ऐसे बहुत सारे, तो और ये क्या करते हैं, तो ये पॉलिसी इंटरवेंशन करते हैं, जो उद्यमी हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब चीजें हैं। तो ये धीरे धीरे ध्यान में आने लगी और तब मुझे लगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो सपना था एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो अपने कम्युनिटी का, अगर वो करना है तो एक चेंबर के माध्यम से उद्यमी बनाना, और एक आदमी को नौकरी मिल गई तो बस वो फैमिली तक उसका ये है।
मगर एक आदमी उद्यमी बन गया तो वो 10 लोगों को नौकरी दे सकता है, तो इससे कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो बड़ा है और इसको हमको प्रमोट करना चाहिए। तो ऐसे मेरे मन में आ गया और एक शुरू हो गया। यह एक बात। दूसरी बात ये है कि जब इसके बारे में विचार चल रहा था, तब एक अमेरिका में एक सिविल राइट की बड़ा मोमेंट हुआ है और उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल के आ गई। हमारे यहाँ जैसे रिजर्वेशन है, वैसे तो रिजर्वेशन वहाँ नहीं है, वहाँ अफर्मेटिव एक्शन उसको कहते हैं, सप्लायर डाइवर्सिटी, एम्प्लॉयमेंट डाइवर्सिटी के माध्यम से वो प्रमोट करते हैं। और ऐसे जो ब्लैक्स है, जिसको अभी वो शब्द ठीक नहीं है, वो अफ्रीकन अमेरिकन जी, मगर उसके पहले ब्लैक्स कहते थे, उसके पहले निग्रो, निग्रो हाँ। अगर वो देखेंगे हिस्ट्री तो 1900 में बुकर टी वॉशिंगटन जो थे वहाँ के एक विजनरी लीडर, उन्होंने निग्रो बिजनेस लीग इस नाम से कुछ उन्होंने शुरू किया और ये सब फॉर एम्पावरमेंट। तो ये सब पढ़ने के बाद तब मुझे ऐसे लगा कि हमको भी करना चाहिए। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के आर्थिक विचार और दूसरा अफ्रीकन अमेरिकन मोमेंट, इसका इसके ऊपर प्रभाव रहा है मेरे ऊपर, और उसी में से यह डिक्की का जन्म हुआ। फिर जब शुरुआत हुई तो कोई किसी भी चीज़ की शुरुआत अब जब हम देखते हैं तो बहुत छोटी होती है। आपको याद है कि पहले वो कुछ गिने चुने लोग जो डिक्की का नाम सुनकर आपकी तरफ आए, फिर उनको किस तरह से अपने एक तरह से हैंड होल्डिंग सहायता की, और ये फिर काम जो है ये सफ़र आगे कैसे बढ़ता गया? जो आपने कहा मैडम, वो कोई भी नया थॉट जी, नया विचार जब आता है तब वो तो सबसे पहले तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, तो जब मैंने ऐसे कुछ बोला तो लोगों ने उसको दे लाफ, तो हंसते हैं लोग, वैसे हुआ। फिर हम करते गए तो फिर लोग क्रिटिसाइज करने लगे, और हम करते गए तो फिर लोग अप्रिशिएट करने लगे। सो ये तीनों जो स्टेजेस है, कोई भी नया थॉट जब आता है तब ये तीनों स्टेजेस से हम चले गए। जो मेरे इनिशियल जो कुछ फ्रेंड थे वो अभी भी हमारे साथ है, उनके बड़े बिजनेसेस हो गए हैं, वो भी बिजनेसमैन थे हम सब लोग। तो पुणे से यह जर्नी हमारी शुरू हो गई, और जो भी हमारे यहाँ आए हैं उनको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जिसको हम कह सकते हैं मार्गदर्शन जी, जो है राइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट जो है मार्गदर्शन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वह काम हमने शुरू किया और अभी भी लगातार कर रहे हैं। अभी मेंबर्स कितने हैं, ऑफिसर्स कितने हैं, और सक्सेस स्टोरीज, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई इंस्टीट्यूशन हो, संस्था हो, या कोई मूवमेंट हो, वो आगे बढ़ती है कुछ सक्सेस स्टोरीज के आधार पर, उनको देख के प्रेरणा भी मिलती है बाकी लोगों को। हमारा भी मैडम यही सोच रहा कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर दलित कम्युनिटी में एक सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है, बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े जी और बैरिस्टर बने, फिर उनका पूरा लाइफ हमारे सामने है, तो हमारे गांव की दूर दराज की जो एक महिला है वह यही कहती थी कि मेरे बेटे को बाबा साहब की तरह पढ़ाऊंगी। ओके, तो बाबा साहब हैज बिकम आइडियल करेक्ट फॉर अ दलित कम्युनिटी, और वो आज भी है। तो वैसे ही हमने सोचा कि दलित कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, जो भी कठिनाई है उसके बावजूद उन्होंने सक्सेस हासिल किया है। ओके, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, तो हमने यही सोचा कि ऐसे जो सक्सेस स्टोरीज है हर जिले में है,
तो उसको वहाँ प्रेजेंट करें। ओके वैसे हमने किया, हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया के साथ वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है काशी, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन इंडिया, तो उनके साथ हमारा बहुत सारा वैचारिक लेन देन है। तो प्रोफेसर देवेश कपूर और हमारे कुछ साथियों ने डिफाइंग द ऑड्स, ओके, राइज ऑफ दलित एंटरप्राइज, इस नाम का उन्होंने एक बुक लिखा। तो एक 25-26 सक्सेस स्टोरीज वो हुई। दूसरा इकोनॉमिक टाइम्स जो है, तो उन्होंने भी फुल पेज लॉन्ग जर्नलिज्म में 1 पेजर स्टोरीज ऑफ राइज ऑफ दलित एंटरप्राइज इसके माध्यम से। फिर बहुत सारे जो टीवी चैनल्स है, लोकल मीडिया है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों के जो सक्सेस स्टोरीज जो है वह कैसे आएगी, इसके लिए हमने प्रयास किया। और तब जाके लोगों को यह रिकॉग्नाइज हुआ कि यस, अरे ये है अशोक खाड़े जी ये कर सकते हैं तो मैं भी ये कर सकता हूँ। सो लेके इस प्रकार का एक माहौल देश भर में बनता चला गया। फिर अभी अगर हम बात करें तो मेंबर्स आपके कितने हो गए हैं? हाँ। और कहाँ कहाँ ऑफिसेस है? यस, तो मैडम जहाँ जिस ऑफिस में हम बैठे हैं, यह हमारा डिक्की का रजिस्टर्ड ऑफिस है जिसको हम हेड ऑफिस कहते हैं, एचओ। फिर दिल्ली में हमारा डीसीओ है, कॉर्पोरेट ऑफिस, डिक्की कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद में है, बैंगलोर में है, चेन्नई में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में, यूपी में, लगभग सभी स्टेट्स पे डिक्की के ऑफिसेस है। अगर फंक्शनिंग अगर हम देखेंगे तो लगभग हमारे 12,000 के आसपास मेंबर्स है और लगभग 1,00,000 उद्यमी तक हम लोग अभी तक पहुंचे हुए हैं। तो वो संख्या बहुत बड़ी है जो किधर ना कहीं वो हमारे प्रोग्राम में वो आके गए हैं। ये हमारा इतना रीच है। यूथ को अगर कहेंगे तो देश का जो भी यूथ है जो डिजिटली कनेक्टेड है, ही नोज डिक्की, एवरीबडी नोज डिक्की, उसका काम क्या, पॉलिसी सपोर्ट बनाई है। तो ये तो ऐसे हर स्टेट में और अब्रॉड में भी 7 जगह पे इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं। और हम लोग अभी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि वो टाइज जो है और स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाए, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर एक ये होता है कि ऑफिसर्स बढ़ रहे हैं, लोग ये करें, कहीं ना कहीं लोगों को ये भी उम्मीद होती है कि कहाँ पॉलिसी में गलत होता है वहाँ पर इंटरवेंशन। तो आपको क्या लगता था कि इतने सालों तक कहाँ वो चूक हो रही थी या क्या सुधारने की जरूरत थी जिसके चलते जो दलित है वो केवल आरक्षण पर निर्भर ना रहे, खुद के बलबूते पर खड़ा होने की कोशिश करे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है मैडम। जो माइंडसेट जो है वो ये, और जो यूथ युवा है जी, उसके सामने जो दलित समाज का जो अपना अगर करियर बनाना है तो बस आईएएस आईपीएस बनना है या सरकारी नौकरी में जाना है, एक करियर बनाना है, या राजनीति में जाना है, कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी बनना है, वो एक करियर का रास्ता जी। तो ये 2 करियर के रास्ते जो है अनुसूचित जाति जनजाति के जो युवा है उसके सामने ये 2 रास्ते थे, तो उस रास्ते से वो जा रहे थे। मगर डिक्की ने एक तीसरा उद्यमिता का रास्ता, और इस रास्ते से अगर हम गए तो भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। ऐसा 10-15 साल पूरे देश भर में घूमने के बाद, इतने हजारों इंट्रैक्शन होने के बाद, तब जाके लोगों के ध्यान में आया कि यस, यह भी एक रास्ता है। तो हमने हमारा जो विजन जो रखा है मैडम, वो विजन ही हमारा ये है, बी जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स। और यह बात दलित समाज में जाके बताना बड़ी कठिन थी, कठिन है। तो कुछ लोगों ने तो कहा कि मिलिंद तो आरक्षण को विरोध कर रहा है, जो नौकरी पेशा लोग हैं। तो मैंने उनको समझाया कि भाई मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैंने उनको समझाया कि समझो
पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहाँ से मैं आता हूँ पुणे में हमारे, अगर वहाँ पे रोड डिपार्टमेंट में 5 SC ST इंजीनियर्स के लिए, जूनियर इंजीनियर्स के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट आई तो उसके लिए आज 5,000 एप्लीकेशन आते हैं, चले जाते जी। नौकरी कितने लोगों को मिलेगी? 5 लोगों को। तो बाकी लोगों ने क्या करना है? तो इसलिए जो बाकी लोग हैं उनके लिए डिक्की का काम है। तो यह जो फिलॉसफी जो है डिक्की की, जिसमें बी जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर, एक लाइफ टाइम चेंजिंग रोल है, एक लाइफ चेंजिंग रोल एक समाज के जीवन में, एक लोगों के माइंडसेट के इसमें। तो उसके लिए बहुत सारे डिबेट, डिस्कशन, क्रिटिसिज्म हुआ, मगर वैसे हम चलते गए। फिर और फिलोसॉफिकल बेस थोड़ा हमने वाइडन किया और हमने दूसरी स्लोगन यानी कि ये किया कि यस वी हैव टू फाइट कास्ट विथ कैपिटल। यह बहुत बड़ी बात जो है तो वो भी हमने कहना शुरू कर दिया। वी हैव टू बिकम अ टैक्स पेयर्स टू द गवर्नमेंट, वी हैव टू बिकम अ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स। और जो दलित समाज का जो परसेप्शन है, दे आर दी ओनली सीकर्स, उनको सब चाहिए, नौकरी चाहिए, वजीफा चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम में सपोर्ट चाहिए, यह जो एक परसेप्शन है वो परसेप्शन बदलने की जरूरत है। वी आर नॉट सीकर, वी आर ऑल्सो गिवर्स, जॉब गिवर्स। जो यह जो बातें हैं, यह बातें भी एक तो देश का आम समाज है उसको भी समझाना है, दूसरा जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो समाज है उसको भी समझाना, उसको भी समझाना है। ये बहुत मल्टी लेवल पे काम हम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा सफलता का एक जो रास्ता है वो आपने, लोग अमूमन क्या करते हैं कि दूसरों के लिए प्रीच करते हैं, घर में वैसी बात नहीं होती, लेकिन आपका मैंने देखा कि परिवार में आपकी बेटी भी उद्योजकता के रास्ते पर चल पड़ी है, तो एक तरह से लीडिंग बाय एग्जांपल जिसे कहते हैं वो शुरू किया। दूसरा पद्मश्री आपको जो मिली तो वो क्षण बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, कैसा आपको लग रहा था? तो देखिए ये बहुत मेरे लाइफ का महत्वपूर्ण क्षण था। ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जी। 2013 में वह पद्मश्री तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणव मुखर्जी थे जी, उनके हाथों राष्ट्रपति भवन में जो अशोका हॉल है वहाँ पे उसको मैंने रिसीव किया। तब मुझे लगा कि और ज्यादा जिम्मेवारी का मुझे एहसास हुआ। नॉर्मली और मुझे बहुत कम उम्र में मेरे साथ जिनको पद्मश्री या पद्म भूषण मिला उनका 75, इंडस्ट्री के ही आदमी थे, उनका एज 75 था और मेरा 45 था। तो यह एक लास्ट स्टेज ये होता है कि यस ये अवार्ड मिल गया अभी बस आराम से रहेंगे, मगर ऐसे नहीं। वो अवार्ड मिलने के बाद हमने बहुत तेजी से और लगातार काम किया और लगातार कर रहे हैं। वो जिम्मेवारी का एहसास जो है वो आज भी है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि मेरी जो बेटी है वह एक ही बेटी है, वाइफ मेरी स्कूल टीचर होने की वजह से जब स्कूल में वो होती है तो बाकी समय मेरे ऑफिस में आती है और मेरे साथ साइट पे चलती है और ऐसे, तो वो पूरा उसने माहौल दे, एक्सपोजर जी, ये बच्चों को एक्सपोजर जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसको क्या एक्सपोजर दे रहे हो उसी के ऊपर उसका जो है थॉट प्रोसेस बिल्ट होता है। तो बस वो मेरे साथ वही घर पे डिस्कशन, और जब उसकी स्कूल की छुट्टियां रहती है होती थी तब वो ऑफिस में आके मैं क्या करूं, तो मैंने उसको काम दिया था कि यू टेक केयर ऑफ अ हॉस्पिटैलिटी ऑफ द गेस्ट।
तो जो आए हैं तो उनको पानी पिलाओ, उनको चाय ऑर्डर करो, उनको चाय पिलाओ. सो दैट वे हर माइंडसेट जो है वो बिल्ट होता चला गया और उसको लगा कि यस मुझे भी उद्यमी बनना है. तो सी इज अ स्टार्टअप, उनने भी उसका उद्यम शुरू किया है. एक है कि 2014 के बाद में कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स के लिए और जो एक माहौल बना और जो उद्यमी बनना चाहता है उसके लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं ऐसे लाई, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे और सारी बातें हो, या आसानी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसका कितना फायदा हुआ और हमारे यहाँ पर यूनिकॉर्न कितने खड़े हुए? तो देखिए मैडम, सिस्टम वही था. ओके मगर उस सिस्टम में वाइब्रेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है लाने का काम जो है वो जो सरकार चलाने वाले हैं उनका काम होता है. तो मैं तो दोनों सरकारों के साथ काम किया हूँ. मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया हूँ, ऑनरेबल तब के प्राइम मिनिस्टर जी, और अभी माननीय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ. ये फर्क स्पष्ट दिखता है, जो वाइब्रेंसी, जो अकाउंटेबिलिटी, थिंग्स टू बी गेटेड डन थ्रू जो भी सिस्टम है उसी सिस्टम में काम हो रहा है. डिजिटल इंटरवेंशन, ये बहुत बड़ी चीजें हैं. तो फर्क तो है, स्पष्ट फर्क है. जैसे आपने कहा कि नई चीजें, इनोवेटिव चीजें, आइडियाज जो है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टेट का कॉम्पिटिशन, ओके रैंकिंग, इससे बहुत फर्क पड़ता है. उस हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे हर स्टेट का. पहले हम लोग वाइब्रेंट गुजरात जी टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट सालों से आता हुआ हमने देखा. फिर उसके बाद में बाकी स्टेटों का शुरू हुआ, जैसे मैग्नेटिक महाराष्ट्र है, सनराइज आंध्र प्रदेश है, नमस्ते तेलंगाना है, या जिम ग्लोबल इन्वेस्टर मीट ऑफ तमिलनाडु है, बंगाल में भी होता है जिसमें हम जाते हैं. सब स्टेट में फिर ये कंपटीशन लग गए. ये माहौल क्रिएट करना, ये तो हुआ है, ये तो पूरा देश और सब जानते हैं. दूसरी बात जो है वही चैलेंज था कि हमारा देश युवाओं का देश है और इतने बड़े यूथ पावर को आप आइडियल नहीं रख सकते. उस पावर को राइट डायरेक्शन में आपको चैनलाइज करना है. आप नौकरियां, ये सब इतने लोगों को नौकरियां कोई भी सरकार नहीं दे सकती, तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, वैसी सिस्टम क्रिएट करना. सो दैट सिस्टम एंड अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट हुई है. 125 से अधिक यूनिकॉर्न्स है आज हमारे देश में, ये बने हैं. 100,000 के अराउंड स्टार्टअप्स है हमारे देश में जो रजिस्टर्ड है. हमारे देश में जितने यूनिवर्सिटीज, 1,000 से अधिक यूनिवर्सिटीज है. हर यूनिवर्सिटी में इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेल है. हर कॉलेज में EDC है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है. DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अटल इनक्यूबेशन मिशन के अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स 250 है दोनों के मिला के, स्टेट लेड इनक्यूबेशन सेंटर्स. सो ये जो एक इकोसिस्टम जिसको हम लोग कंडूसिव इकोसिस्टम जो बोलते हैं, तो वह तो फंडिंग, फंड ऑफ फंड, सो ये सब चीजें जो है वो आई. पहले थी मगर उतनी नहीं थी. तो वाइब्रेंसी जो है वो वाइब्रेंसी की वजह से क्रिएट की गई सरकार में, तो वो हो गया. तो आज जो मैडम हम लोग हमेशा कहते हैं कि दिस इज अ राइट टाइम फॉर अ यूथ टू गो फॉर अ स्टार्टअप. ओके बिकॉज देर इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम जो है वो बन गई है. और मैं हमारे जो SC ST युवा है उनके लिए भी कहूंगा कि आज का जो समय है, दिस इज अ
बहुत बेहतरीन समय है उद्यमी बनने का, क्योंकि मैं आपको बस मैं यह बताता हूं आपको कि डिक्की ने सरकार के साथ मिलकर जो एक 3M इकोसिस्टम जो है वो बनाया है। अभी ये 3M इकोसिस्टम क्या है, तो फर्स्ट M स्टैंड्स फॉर मार्केट। मार्केट हर उद्यमी अपने मार्केट के तलाश में होता है, एश्योर्ड मार्केट। तो 2012 में 4% प्रोक्योरमेंट फ्रॉम SC ST एंटरप्रेन्योर्स, ये डिक्की का इंटरवेंशन है, एक एश्योर्ड मार्केट क्रिएट किया। 2015 में वह मैंडेटरी हुआ मोदी जी आने के बाद में। फिर उसके बाद में हमने एक बड़ा प्रोग्राम किया था दिल्ली में, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि आपको जो चाहिए वो मांग लो, हम करेंगे। तो उसके बाद में स्टैंड अप इंडिया स्कीम बनी, जो आपने मुद्रा का जिक्र किया, मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया यह देश में आज तक के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन के मॉडल है, मॉडल्स है, और वो भी विदाउट कोलैटरल फंडिंग। आपको मैं बताऊं, आज 50 करोड़ मुद्रा अकाउंट्स है बेनिफिशियरी, जिसमें लगभग 23% आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और उसमें सबसे ज्यादा वुमन। मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, वी आर क्लोजली वर्किंग विथ अ DFS जो ये मॉनिटर करता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, दूसरी हमारी सजेशन से स्टैंड अप इंडिया स्कीम बनी, मुद्रा में 5 लाख से 10 लाख तक है, एवरेज लोन साइज 50,000 है, वो है जी, मगर एक उद्यमी के लिए 50,000 विदाउट कोलैटरल बैंक से मिल रहे हैं, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैडम। एब्सोल्युटली, आप वो 50,000 ही मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल था, जहां पे बिना अकाउंट खोल के आपको 50,000 मिल रहा है, तो एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। ओके, क्रेडिट क्रिएट हो रहा है स्टैंड अप इंडिया में, 10 लाख से 1 करोड़ तक विदाउट कोलैटरल, जिसमें 40,000 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बेनिफिशियरी, वो तो कंप्लीट हमारी स्कीम है, हम ये कह सकते हैं कि बेनिफिशियरी। वेंचर कैपिटल फंड जो 20 लाख से 15 करोड़ तक का सपोर्ट है, ये मनी सपोर्ट, और नेशनल SC ST हब जो बना है जी, जो मेंटोरिंग का काम कर रहा है, जिसके देश में 15 जगह पे ऑफिसेस बने हैं, यह सपोर्ट सिस्टम, हैंड होल्डिंग, मेंटोरिंग, मार्केट लिंकेजेस। तो यह 3M इकोसिस्टम जो है यह भारत सरकार ने बनाया है, और उसके साथ में हर स्टेट ने डिक्की के इंटरवेंशन से स्टेट लेवल की इंडस्ट्री पॉलिसी बनी है। तो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम, यानी कि क्या है, केवल एकादी नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना बड़ा आसान होता है, मगर उसको सस्टेन करना, सस्टेनेबली उसको चलाना, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना, पॉलिसी इंटरवेंशन करना, यू हैव टू कन्विंस द ब्यूरोक्रेट्स, यू हैव टू कन्विंस द एग्जीक्यूटिव जो सरकार चलाने वाले हैं, और टू क्रिएट अ पॉलिसी। एंड डिक्की इज अ प्लेइंग अ रोल ऑफ एनेबलर। पॉलिसी तो बनती है, मगर वो लोगों तक कौन लेके जाएगा, वो डिक्की लेके जाने का भी काम कर रहा है। फिर एक है जिसको मैं बहुत अहम मानती हूँ कि IIM जम्मू के बोर्ड ऑफ गवर्नर के आप अध्यक्ष हैं, कैसे ये आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आई और उसके लिए आपका विजन क्या है? तो देखिए, IIMs जो है हमारे देश के IITs, IIMs और AIIMS जी, जिसको नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, तो 2018 में एक संशोधन हुआ IIM एक्ट में, और उसमें एक बोर्ड मेंबर शुड बी फ्रॉम अ शेड्यूल कास्ट का वो संशोधन हुआ प्रॉपर। और उसके तहत मैं तो उसके पहले ही था, 2016 से लेके 2019 तक 3 साल कोई संशोधन के बिना IIM काशीपुर पे मैं 3 साल एज अ बोर्ड मेंबर रहा, तो मेरा टर्म पूरा हो गया। और ये संशोधन 18 में हुआ, होने के बाद में फिर सरकार ने हमसे डायलॉग शुरू किया,
कि मिलिंद आपके चेंबर में जो भी सक्सेसफुल उद्यमी है तो उनकी लिस्ट दे दीजिए, तो सरकार अपनी ओर से अपना एक वेरिफिकेशन करता है। तो उन्होंने वो किया और अभी लगभग 15-1 IIMs के ऊपर डिक्की के एज बोर्ड में है, इधर उधर सब जगह पे वो है। यह एक अपॉर्चुनिटी है और मुझे एक टर्म आई एम ए बोर्ड मेंबर होने के बाद में मुझे कहा गया कि मिलिंद यू हेड दिस थर्ड जनरेशन IIM। मैं बोला ठीक है, इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग, जम्मू कश्मीर में IIM का बहुत चैलेंज था। डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट चैलेंजेस मैडम, इट्स अ थर्ड जनरेशन IIM। मैंने मेरे दो KRA जिसको हम कहते हैं वो रखे थे जी, तो उसमें एक तो एक एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, एक एक्सलेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, बीइंग आई एम ए सिविल इंजीनियर, करेक्ट, और दूसरा एक्सलेंस इन एजुकेशन। ये दोनों ही हुए। IIM जम्मू यह 20वां IIM है लास्ट बना हुआ जी, अभी NITI को भी IIM बनाया है, अभी 21 IIM हो गए, थर्ड जनरेशन लास्ट। मगर NIRF रैंकिंग में हमने हमारे 6 को पीछे छोड़ा है, वी आर ऑन 15th पोजीशन। वो भी हो गया और अभी प्रधानमंत्री जी के हाथों हमारे नए बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी हो गया। तो ये दोनों चीजें मैंने डिलीवर की और मैं मेरा टर्म पूरा होने के बाद हमारे मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी मेरा काम हो गया है, रैंकिंग में भी आ गया। जहाँ पे स्टूडेंट नहीं मिलते थे वहाँ पे अभी 1000 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, वो भी हो गई, रैंकिंग में भी आ गए। बाकी IIMs के इश्यू है, मेरा IIM सरप्लस है, सरप्लस मेरा काम हो गया। तो मंत्री जी ने कहा भाग कहाँ रहे हो, इसको और आगे लेके जाना है। तो अगेन आई एम कंटिन्यूड एज अ चेयरमैन फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। फिर सर एक होता है कि एक छोटा सा बीज आपने बोया था डिक्की का, एक पर्सनल जिंदगी में आप गोल सेट करते गए, उसको पार करते गए, मुश्किलें आती गई होगी, आगे चल ये हो गया, डिक्की का आपने छोटा सा जो बीज बोया वो आज एक बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन एक मिशन, एक विजन और एक ये होता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो वो आपके लिए क्या है? 5 साल के बाद आप कहाँ देखना चाहते हैं डिक्की को? बस मेरा एक बहुत ही छोटा सा विजन है मैडम, कि जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो समाज है उसकी तरफ देखने का जो नजरिया है, जो परसेप्शन है, वो परसेप्शन मुझे चेंज करना है। जो लोग कहते हैं दे आर दी सीकर्स, तो वो परसेप्शन बदल कर मुझे वी आर गिवर्स का परसेप्शन वो लेके आना है। दूसरा, हम इस इकोनॉमी के ऊपर बोझ नहीं बल्कि हम कंट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, द वे ऑफ टैक्सेस, द वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। भारत सरकार और राज्य सरकारें वेलफेयर स्कीम पर शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप हो या ये है, उसके ऊपर जो जितना खर्चा कर रही है उससे ज्यादा SC ST एंटरप्रेन्योर्स गवर्नमेंट के ट्रेजरी में उससे ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करे, बस यही हम चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। बहुत बेहतरीन सपना है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब शुरू में आरक्षण दिया था तो उस दौर में वो बहुत ज़रूरी भी था समाज के लिए, अभी भी कुछ हद तक ज़रूरी है ही, नहीं ऐसा नहीं बोला जा सकता। लेकिन जो विजन आप रख रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद करते हैं, शुभेच्छा देते हैं नवभारत की ओर से कि वो पूरा हो, और वो पूरा होने के बाद फिर एक बार हम आपसे साक्षात्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमसे बात की। बहुत धन्यवाद, थैंक यू नवभारत टाइम्स। तो इस तरह के लोगों से मिलने के लिए, उनसे सुनने के लिए और उनके ज़िंदगी का सफ़र जानने के लिए नवभारत का हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके अगर कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। किससे आप मिलना चाहते हैं वो भी अगर हमको बताएं तो उसका भी स्वागत रहेगा। नमस्कार।